नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं जिस देश के बारे में बताने जा रहा हूँ उस देश की इतनी ज़्यादा विशेषताएं हैं कि समझ में नहीं आता क्या क्या बताएं। इस बात से ही आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं भारत देश के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वैसे तो विश्व में बहुत से पुराने देश हैं, बट भारत सबसे पुराना और प्राचीन देश है, जहाँ लोग 55,000 साल पहले से भी रहते आए हैं। और अगर हम धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो हिंदू सनातन धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान राम अयोध्या के राजा लगभग आज से 8,80,111 साल पहले त्रेता युग में थे। इस बात को हम दूसरे तरीके से भी प्रूफ करेंगे आगे के वीडियो में। वेस्टर्न साइंटिस्ट भी भारत की पौराणिक काल में लिखे हुए ग्रंथों वेदों उपनिषदों तथा भगवद गीता के ज्ञान का अध्ययन तथा उसको फॉलो कर रहे हैं, जिससे उन्हें इस दुनिया के रहस्यों को समझने में मदद मिल रही है। हम आगे भी ये भी जानेंगे कि वेदों और पुराणों से कौन कौन से विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने ज्ञान हासिल कर उलझी हुई पहेलियों को सुलझाया। कहा जाता है कि भारत एक समय सबसे विकसित देश था और यहाँ से लोगों ने धरती के दूसरे कोनों में जाकर रहना प्रारंभ किया था। इसका एक प्रूफ यह भी है कि R1A1A DNA, जो कि भारत से ही आया है, हम उसे और विश्व के और भी रीजन्स में देख सकते हैं, मेजरली इन यूरेशिया, स्कैंडिनेविया से सेंट्रल यूरोप तक और वहाँ से साउथर्न साइबेरिया से साउथ एशिया तक। भारत देश से ही योग की उत्पत्ति हुई, जिसे आज दुनिया भर के लोग अपना रहे हैं और अपना जीवन और भी स्वस्थ बना रहे हैं। सबसे पहले योगी और आदि योगी शिव जी को ही माना जाता है। मॉडर्न योग के पिता महर्षि पतंजलि को माना जाता है। योग का जिक्र ऋग्वेद और उपनिषद में भी मिलता है। ऋषिकेश को योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी माना जाता है। अब बात करते हैं भारत की ज्योग्राफी की। विश्व भर में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो भारत 7वें पायदान पर आता है, और हाल ही में खबर मिली है कि भारत ने चाइना को पॉपुलेशन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। अब भारत की पॉपुलेशन 142 करोड़ के आसपास हो गई है, जिसमें अच्छी बात यह है कि भारत एक जवान देश है। भारत में 66% पॉपुलेशन 35 साल से नीचे के एज ग्रुप की है और 40% पॉपुलेशन 13 से 35 साल के बीच के एज ग्रुप की है। भारत एक पेनिनसुला है, क्योंकि भारत 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी, साउथ में इंडियन ओशन। भारत की कोस्टल लाइन 7,516 किलोमीटर लंबी है। विश्व की सबसे ऊंची हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के नॉर्थ में स्थित है। विश्व में 10 में से 9 ऊंचे पर्वतों की चोटियां हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही हैं। हिमालय की उत्पत्ति इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशिया प्लेट्स के टकराने से हुई, जिसने हिमालय को हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड बना दिया। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के 5 राज्यों को कवर करती है। पहला राज्य जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, पाँचवा अरुणाचल प्रदेश। हिमालय पर्वत की ऊंचाई 8,850 मीटर है, जो हर 100 साल में 3 फीट बढ़ जाती है। अब बात करते हैं हम सियाचिन ग्लेशियर की। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित बैटल ग्राउंड है, और वो किसके बीच में है आपको पता ही होगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जो कि काराकोरम रेंज पर स्थित है। नॉर्थ इंडिया की हिमालय की नदियाँ भी सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई 75 किलोमीटर है और चौड़ाई 2.5 किलोमीटर है। अब बात करते हैं मजूली आइलैंड की। मजूली आइलैंड विश्व का सबसे बड़ा रिवरीन आइलैंड है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में आसाम में है। अब बात करते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क की। काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क एकमात्र विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि मणिपुर में स्थित है। फेमस लोकतक लेक भी नेशनल पार्क का ही हिस्सा है। अब बात करते हैं लूनी रिवर की। राजस्थान में अरावली के पहाड़ों के निकट अजमेर जिले के समीप पुष्कर घाटी से उत्पन्न होकर गुजरात के कच्छ के रण के पश्चिमोत्तर भाग में लुप्त हो जाने वाली देश की एकलौती नदी है, जो सागर में जाकर नहीं मिलती। लूनी नदी 495 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसकी राजस्थान में लंबाई 330 किलोमीटर है और जो कि सिंचाई का भी अनिवार्य स्रोत है। अब बात करते हैं दाहिर माथा बीच की। केंद्रपारा उड़ीसा में स्थित गाहिर माता बीच विश्व का सबसे बड़ा ऑलिव रेडली समुद्री कछुओं का घोंसला है, जो दुनिया भर के वैज्ञानिक और प्रकृति प्रेमियों को रोमांचित करता है। जहां 2017 में 24 घंटे के अंदर 200,000 से भी ज़्यादा बेबी ऑलिव रेडली समुद्री कछुए अपने गड्ढों से बाहर आ गए थे। वाराणसी की बात करते हैं। वाराणसी सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे पुराना शहर है, जो कि गंगा के तट पर बसा हुआ है। इसका पुराना नाम काशी है। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार काशी को स्वयं भगवान श्री शिव जी ने बसाया था। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के सांसद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास जी मोदी हैं, जिनके अद्भुत कार्यों की वजह से आज भारत का कद विश्व भर में और ऊंचा हुआ है।
अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की। सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस इंडिया में है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस भी इंडिया के श्रीनगर के दल झील में स्थित है। जिस देश को वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, जहां एक इंसान का मतदान को भी काफ़ी महत्व दिया जाता है, वहीं गुजरात राज्य के सोमनाथ जिले के गिर फॉरेस्ट में सिंगल वोटर होने के बावजूद वहां पे पोलिंग बूथ सेटअप किया गया था। तुलसी श्याम नामक जगह 3000 साल पुराने कृष्ण मंदिर और गर्म पानी के स्रोतों के लिए तो मशहूर है ही, साथ में यहाँ एक घाटी भी बहुत मशहूर है, जहाँ कार खड़ी करने पर नीचे ढलान की ओर ना जाकर रुत्व आकर्षण के नियमों का उल्लंघन करके आगे ऊपर की ओर चढ़ती है। मुझे लगता है भारत एक बहुत ही खूबसूरत देश है और यहाँ पर आप हर चीज़ का पूरा आनंद उठा सकते हैं। अगर आपको हिल स्टेशन पसंद हैं तो भारत में आपको प्राकृतिक सुंदरता से भरे हुए कई हिल स्टेशन मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ हैं शिमला, ऊटी, श्रीनगर, गुर्ग, मसूरी, लेह लद्दाख, स्पीति वैली, पहलगाम, गंगटोक, दार्जिलिंग, औली इत्यादि। अगर आपको आइलैंड पर अपनी छुट्टियां बिताने का मन है तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड की प्राकृतिक सुंदरता का आप आनंद उठा सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत के एजुकेशन सिस्टम की। आप सभी को ये जानकर ताज्जुब होगा कि भारत का एंशियंट एजुकेशन सिस्टम आज के एजुकेशन सिस्टम से भी अच्छा था। उस समय के एजुकेशन सेंटर्स में एंट्रेंस एग्जाम्स को पास करना पड़ता था, जो कि काफ़ी टफ हुआ करते थे, और एजुकेशन सेंटर्स में रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी मौजूद थी, जहाँ विश्व भर से विद्यार्थी विद्या लेने के लिए आते थे। इतने प्राचीन समय में भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ थी जिसमें हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, पर विदेशी आक्रमणकारियों ने उन यूनिवर्सिटीज़ को तहस नहस कर दिया, जिनमें से 5 यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं। पहला तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो कि 6th सेंचुरी BC के आसपास थी, जिसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे वो थे साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, वॉरफेयर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, म्यूजिक, रिलीजियन एंड फिलोसॉफी। आचार्य श्री चाणक्य, जिनकी कूटनीति, राजनीति और अर्थशास्त्र के लिए जो जाने जाते हैं, वो यहाँ पे आचार्य हुआ करते थे, और राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनी शिक्षा तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही ली थी। दूसरे नंबर पे नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि 5th सेंचुरी AD में स्थापित हुआ था, जिसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे वो थे फिलोसॉफी, रिलीजियन, बुद्धिज्म, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को तहस नहस कर उसकी लाइब्रेरी, जिसमें 90 लाख प्राचीन शास्त्र भी थे, उसमें आग लगा दी, जिससे हमारा प्राचीन ज्ञान हमेशा के लिए खो गया। वल्लभी विद्यापीठ, जो कि 6th सेंचुरी AD में था, जिसमें सब्जेक्ट्स थे साइंस, विजडम, थियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, लॉ, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। कंथलूर साला यूनिवर्सिटी, जिसे साउथ का नालंदा भी कहा जाता था, वो 852 AD में स्थापित हुआ था, जिसमें सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जाते थे वो थे मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, मार्शल आर्ट, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और आयुर्वेदा भी। ये एक रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन था। इन 5 विश्वविद्यालयों के अलावा और भी प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय हैं, जो सदियों पहले आक्रमण के कारण नष्ट हो गए थे। इससे बताया जा सकता है कि भारत ज्ञान के केंद्र तथा विश्व गुरु भी था, जिसका एजुकेशन सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। फिर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बैन कर दिया, जिस वजह से हम अपने विशाल ज्ञान से कट गए। अगर हमारा प्राचीन ज्ञान हमारे साथ होता तो शायद जो बातें अभी पहेलियाँ बनी हुई हैं वो उस ज्ञान से कब की सुलझ जाती। खैर, अभी भी जो पुरातन शास्त्र मौजूद हैं, हमें उन पे और अच्छे से अध्ययन करने की ज़रूरत है। आपका क्या ख्याल है दोस्तों, प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। अब मैं भारत के रिलीजन की बात करने जा रहा हूँ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ कई धर्मों के लोग रहते हैं, बट चूँकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है तो यहाँ हिंदू सबसे ज़्यादा हैं, जो कि भारत की कुल आबादी का 79.8% है। इस्लाम 14.2% है, क्रिश्चियनिटी 2.3% है, सिखिज्म 1.7% है, बुद्धिज्म 0.7% है, जैन 0.37% है। भारत में हिंदू ज़्यादा होने के बाद भी सभी धर्मों का आदर किया जाता है और सारे धर्मों के लोग यहाँ अच्छे से अपने धर्म को मानकर प्रेम पूर्वक रहते हैं। हिंदू धर्म में 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 2 महाकाव्य और 1 भगवत वाणी का संकलन श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें संपूर्ण वेदों और उपनिषद का सार है, जिसे पढ़ने से व्यक्ति जिंदगी की सच्चाई से अवगत होता है तथा व्यक्ति में आत्मबल बढ़ता है और अपने कर्तव्य पथ पर निडरता से आगे बढ़ने का साहस मिलता है। हिंदू धर्म कितना पुराना है, इसे एक और तरीके से देखा जा सकता है। अगर हम ऋषि वाल्मीकि जी के रामायण ग्रंथ को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि राम जन्म के समय विंध्याचल और हिमालय की ऊंचाई बराबर थी, और वैज्ञानिक हमारे ये भी मानते हैं कि हिमालय की ऊंचाई हर 100 वर्ष में
3 फीट बढ़ जाती है। इस हिसाब से अगर हम विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई जो कि 2,467 फीट स्थिर है और हिमालय की ऊंचाई 29,029 फीट है तो इसका अंतर 26,562 फीट होता है। अगर हम 3 फीट का भाग दे के 100 साल का गुणा कर देते हैं तो हमें ये पता लग जाएगा कि हिमालय की हाइट को इतना बढ़ने में 885,400 साल लगे होंगे। तो इससे यही प्रूफ होता है कि राम जी का जन्म और रामायण 880,000 साल पहले ही हुई थी। भारत में महाभारत और रामचरितमानस महाकाव्य हैं जो बुराई पे अच्छाई की और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। अगर आपने महाभारत और रामचरितमानस नहीं देखी है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इन्हें अवश्य देखें। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत के पद्म पुराण में 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है और वैज्ञानिकों ने भी यही अनुमान लगाया है कि धरती पर लगभग 87 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। यजुर्वेद में आज से हजारों साल पहले से ही लिखा है कि सूर्य स्थिर नहीं है और वैज्ञानिकों ने अब जाना है कि सूर्य स्थिर नहीं है और यह सोलर सिस्टम का चक्कर लगा रहा है। जहां वैज्ञानिकों को 17वीं शताब्दी में पता चला था धरती से सूरज की दूरी 14,96,00,000 है, वहीं हिंदू धर्म ग्रंथों हनुमान चालीसा में पहले ही धरती से सूर्य की दूरी का वर्णन मिलता है। ऐसे कई सारे ज्ञान की बातें हमारे हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथों, वेदों और उपनिषदों में लिखी हुई हैं जिनका अध्ययन कई मॉडर्न साइंटिस्ट ने किया और इस ज्ञान के कारण उनको अपने कई प्रश्नों के उत्तर भी मिले। उन्होंने इससे प्रेरित होकर कई थ्योरीज भी दी जिससे उन्हें नोबेल प्राइज भी मिले और उनकी बहुत आस्था भी रही हिंदू धर्म में। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है वर्नर हाइजेनबर्ग, एक जर्मन फिजिसिस्ट जिन्होंने वेदों और उपनिषद की मदद से क्वांटम मैकेनिक्स और बहुत सी गुत्थियों को सुलझाने में मदद मिली। दूसरे साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर, अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट। एटम बॉम्ब बनाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इन्हीं का था। इन्होंने भगवद गीता पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा को भी सीखा था और उन्होंने बताया कि भगवद गीता इस पूरे ब्रह्मांड और इसके रहस्यों को जानने में मदद करती है। तीसरे साइंटिस्ट हैं कार्ल सैगन जो कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे। कार्ल सैगन वेद और उपनिषद के अपार ज्ञान से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। वे मानते थे कि हिंदू धर्म के वेद और उपनिषद में ब्रह्मांड का वैसा ही उल्लेख मिलता है जैसे आज मॉडर्न साइंस में बताया गया है। इन्होंने भारत में कई साल भी बिताए हैं। अब बात करते हैं साइंटिस्ट एर्विन स्क्रोडिंगर की जो कि ऑस्ट्रियन आयरिश फिजिसिस्ट हैं। ये वेदांत और उपनिषद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इन्होंने ये भी कहा था कि इनके क्वांटम मैकेनिक्स के ज़्यादातर सिद्धांत वेदों से प्रभावित हैं और इन्हें क्वांटम मैकेनिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला था। अब बात करते हैं साइंटिस्ट हंस पीटर डर की जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट हैं। हिंदू धर्म वेद और उपनिषद पर 35 साल अध्ययन किया इन्होंने। वह कहते थे कि जब भी वह क्वांटम फिजिक्स पढ़ाते थे तो उनको लगता था कि वह हिंदू धर्म के वेद और उपनिषदों की बात कर रहे हैं। ये भी हिंदू धर्म के शास्त्रों से काफ़ी प्रभावित थे। इसी के साथ मैं हिंदू धर्म के 2 ऐसे त्यौहारों का जिक्र करना चाहता हूँ जो भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। एक है दिवाली, दूसरा है होली। जब दिवाली और होली के त्यौहार मनाए जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो सारा देश एक हो गया है। अगर आपको होली का भरपूर आनंद उठाना है तो आप एक बार मथुरा जाकर ब्रज की होली जरूर खेलें। अब बात करता हूँ कुंभ मेले की। कुंभ मेला हर 12 साल में 4 बार होने वाला दुनिया भर के धार्मिक आयोजनों में सबसे बड़ा आयोजन होता है। 2013 कुंभ मेले की अगर बात करें तो इसमें लगभग 120 मिलियन मतलब 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे और मेले की भीड़ अंतरिक्ष से भी देखी जा सकती थी। इस मेले का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। कुंभ मेला यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में 2017 में भी स्थान पा चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें।